यस बेटा, वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सिस्टम चल रहा है, उसमें हम आज का अपना टारगेट रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में कुल मिला के 11 क्वेश्चंस हैं। 10th क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 11th क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो सिलेबस में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 7.1, एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर 7, अल्टरनेटिंग करंट, एग्जाम्पल 7.1, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। जो फर्स्ट पार्ट है जी इसका, 10th लेवल का पार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कि पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, क्या निकालना है हमने, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर निकालना है, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, वोल्टेज दे रखी है 220, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पावर दे रखी है 100 वाट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 484 ओम, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी आता था 100 वाट 220 वोल्ट। तो भैया 100 वाट का बल्ब होगा तो उसका रेजिस्टेंस 484 आता है, वो वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है जी। तो इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इजी और डिफ़िकल्ट हो कुछ भी आ सकते हैं, सीबीएसई एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, ये नहीं है कि ईजी है तो आएगा नहीं, ये भी आ सकता है। अब आते हैं बेटा इसके बी पार्ट पे, ये था ए पार्ट, अगला आ गया बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स की क्या चाहिए, पीक वोल्टेज चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए भाई वोल्टेज तीन तरह की हम डिफाइन करते होते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, एक होती है उसकी पीक वैल्यू, एक होती है उसकी मीन वैल्यू, और एक होती है उसकी RMS वैल्यू। आपने इतना नहीं एक्सप्लेन करना, वो तो चलो हम बात कर रहे हैं। RMS वैल्यू जब वोल्टेज हमें दी होगी, यानी ये जो वोल्टेज दे रखी है ना 220 वोल्ट, ये जो गिवन वोल्टेज होती है ये हमेशा कौन सी होती है, RMS होती है, ठीक है। अगर वो बोल के देगा ये वोल्टेज इतनी है कि मीन वैल्यू है या पीक है तो ठीक है, मीन पीक मानेंगे। अदरवाइज जब भी AC सर्किट्स की वोल्टेज दी होगी तो कौन सी दी होगी, RMS। अगर उसने कुछ नाम नहीं लिया तो समझ जाना कौन सी है, RMS है। तो इसको कौन सी मानेंगे हम, RMS मानेंगे। अब पीक निकालनी है, RMS दे रखी है, इन दोनों में रिलेशन क्या होती है, ERMS निकालने का हमारा मेथड होता था E0 डिवाइडेड बाय √2। तो निकालनी हमने इस बार E0 है यानी पीक वैल्यू, तो इट विल बी √2 इंटू ERMS, दैट मीन्स इट विल बी √2 इंटू 220। इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 311 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट आती है। तो हमारे घरों में जो AC आ रहा है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, ठीक है जी। ये उसकी RMS वैल्यू है, अगर पीक निकालें तो कितनी आएगी, 311 वोल्ट आएगी, ठीक है जी। तो इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब अगर एग्जाम में आता तो आपने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, सीधा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर लगाकर और सीधा डायरेक्टली ये लिखो और उसके बाद सीधा आंसर निकाल दो, ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 7.2। ये कह रहा है प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर मतलब उसका कोई रेजिस्टिव इफेक्ट वगैरह नहीं है, इज 25.0 मिली हेनरी कनेक्टेड टू 220 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट। क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL निकालना है और साथ में क्या चाहिए, RMS करंट यानी कि I कैलकुलेट करना है, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है XL, विच इज इक्वल टू ओमेगा एल, विच इज इक्वल टू 2πν इंटू एल, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में 220 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज भी दे रखी है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी, वैल्यू पुट करो, XL इज इक्वल टू 2 इंटू
3.14 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एग्जैक्टली 50 एल दे रखा है, 25 मिली हेनरी। अब देखो इंडक्टेंस नॉर्मली आपको मिली हेनरी में ही मिलेगा, अगर आपने मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट नहीं किया सारी गड़बड़ हो जाएगी, इजी होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको भी हेनरी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। 25 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 जरूर लगा देना है, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये रिजल्ट आ जाता है 7.85। कैलकुलेशन करना मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों का काम होगा, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो 7.85 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी मिस्टेक जो हो सकती है, हम यूनिट नहीं लिख के आएंगे बेटा, ये जो एक्सेल है इस ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट भी लगानी है, ठीक है। कई बार यूनिट के भी नंबर कटते हैं सीबीएसई एग्जाम्स में, ओके। तो इस बार बात स्पेशली सीबीएसई के लिहाज से हो रही है, तो इसके साथ यूनिट जरूर लगानी है, नंबर काट लेगा वो। तो सिंपल क्वेश्चन 7.85 ओम, एक्सेल हो, एक्सी हो, आर हो या जेड हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, इन सब की यूनिट्स, दे ऑल हैव यूनिट ओम, सब रेजिस्टेंस है एक तरह से, रेजिस्टेंस के दूसरे रूप हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सेल आ गया। अब आगे कह रहा है आरएमएस करंट इन द सर्किट, हमें जो वोल्टेज दे रखी है वो कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज ही है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। जो भी गिवन वोल्टेज होती है अपने आप में वो आरएमएस वोल्टेज ही होती है। अब चाहिए था आरएमएस करंट, तो आईआरएमएस चाहिए इंडक्टर के थ्रू। करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज की जगह तो आ जाएगा 220, और रेजिस्टेंस का रोल इंडक्टर में किसने प्ले करना है, उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस ने, जो कि कितना आ गया था 7.85। इसको सॉल्व किया, इट विल बी 20 एम्पियर, ठीक है जी। कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से, आंसर कितना आ जाएगा, 28 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हो गया जी अपना क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कीजिए, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3। ये क्या कहता है जी, कह रहा लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर, एक है लैंप, दूसरा क्या हो गया कैपेसिटर, दोनों आपस में सीरीज में लगा रखे। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस, ओके एसी और डीसी में लगाया लैंप और कैपेसिटर को। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस, अगर कैपेसिटेंस को कम कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ओके। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है। लैंप मतलब बेटा एक रजिस्टर, लैंप रजिस्टर का रोल प्ले करता है, साथ में क्या लगा दिया एक कैपेसिटर लगा दिया, दोनों सीरीज में किस पे लगे, पहले लगा लेते हैं चलो डीसी सर्किट पे, ये लग गया डीसी सर्किट, फिर सेम लैंप सेम कैपेसिटर, ये स्विच भी लगा देते हैं, इस बार किस पे लग गए एसी सर्किट में, ये जो सिंबल है ये एसी का क्या हो गया सिंबल हो गया, लैंप यानी रजिस्टर, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर, ये एक तरह का रजिस्टर, ये एक तरह का कैपेसिटर, आरसी सर्किट हो गया ये। अब अगर डीसी में लगा रहा है तो क्या होगा, मतलब प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया ये पता करना है, लैंप के बारे में बताना है कि लैंप जलेगी कि नहीं जलेगी, कम जलेगी ज़्यादा जलेगी। जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये है डीसी सर्किट, इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ करंट चलेगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में एक पल के लिए जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कुछ करंट चलेगा, उसके बाद जल्दी इसमें क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है जी। अगर स्टेडी स्टेट आ गई तो उसके बाद कैपेसिटर ने डीसी को क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि इनिशियली फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, मिली सेकंड के लिए बल्ब विल ग्लो, मतलब एक फ्लैश आएगा, उसके बाद इनिशियली इट विल ग्लो थोड़े से समय के लिए, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगी,
स्टडी स्टेट, और स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक करना होता है, ठीक है। स्टडी स्टेट आने के बाद फिर इसमें करंट ही नहीं रहेगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है, और करंट ही नहीं रहेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो अल्टीमेटली तो ऑब्जर्वेशन ये है कि स्विच ऑन करने के बाद एक स्टार्टिंग में बस एक फ्लैश ऑफ लाइट आ सकता है, उसके बाद इसने बिल्कुल भी ग्लो नहीं करना। अल्टीमेटली बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है जी। अल्टीमेटली बल्ब ने बिल्कुल भी ग्लो नहीं करना है। अब आते हैं किस पे, एसी सर्किट में। एसी सर्किट में जब इसको ऑन करोगे तो इसमें ऐसा ब्लॉक ब्लॉक करने वाला चक्कर नहीं होता। कैपेसिटर कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है लेकिन इतनी नहीं करता कि ब्लॉक ही कर दे। ये दोनों मिलकर क्या ऑफर करते हैं, इम्पीडेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर ने एक्सएल ऑफर करना है जो कि किसके इक्वल होता है, 1/ωL, यानी 1/2π(ν)/ωC, ठीक है। कैपेसिटर ने एक्स ही ऑफर करना है, कैपेसिटिव रिएक्टर, तो इट विल बी 1/2π(ν)(C), ठीक है जी। जब आपने एसी सर्किट लगाया तो इसने कुछ ना कुछ जो भी इसने इम्पीडेंस ऑफर करना था दोनों ने मिलकर, ठीक है, आर और सी सर्किट ने मिलकर वो ऑफर कर दिया, और करंट रहेगा एंड इट विल ग्लो, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि लैंप और बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग विद सम ब्राइटनेस, ओके। अब अगले पार्ट में इसने ये भी पूछा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था कि इनिशियली कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बल्ब ग्लो कर सकता है, उसके बाद बल्ब विल नॉट ग्लो। इसमें बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग विद सम ब्राइटनेस, जो भी इसकी ब्राइटनेस रही हुई। अब अगले पार्ट में ये बोला, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। सेकेंड पार्ट का आंसर डीसी सर्किट में आ जाएगा, नो इफेक्ट, राइट। तो डीसी सर्किट में यहीं पे लिख देते हैं, नो इफेक्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के कम या ज्यादा होने से डीसी सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। अब देखो, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। आपने सी क्या कर दिया, रिड्यूस। सी रिड्यूस करने से एक्सी विल इंक्रीज। फिर उसके बाद होता है जेड। एक्सी बढ़ जाएगा तो जेड भी बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली करंट विल रिड्यूस। करंट रिड्यूस होने से ब्राइटनेस विल रिड्यूस। आपका वन लाइन आंसर है, अगर कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दिया जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। यानी बल्ब विल शाइन विद लेस ब्राइटनेस देन बिफोर। तो अब इनको टू द पॉइंट बनाकर आप अपने हिसाब से लिख दिया करो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर उसने कम पूछा तो कम ही आंसर देना है। उसने सिर्फ ये पूछा, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिड्यूस, तो आपका आंसर रहेगा नो इफेक्ट, और इसमें आ जाएगा ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस, ओके जी। तो इसको भी नोट वोट कीजिए। खैर ये नोट करने वाला नहीं है, समझने वाला तो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 7.4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4। 7.4 क्वेश्चन सेज, अ 1.15.0 माइक्रोफैरड कैपेसिटर सी दे दिया, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फिर से आरएमएस वैल्यू दे दी वोल्टेज की। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सी कैलकुलेट करना है, एंड द करंट। आरएमएस भी चाहिए, पीक भी चाहिए, दोनों चाहिए बंदे को इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगले पार्ट को बाद में देखते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला कि कैपेसिटेंस 15.0 माइक्रोफेरेड है, इसको फेरेड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इट विल बी 15 × 10⁻⁶, ठीक है जी। 15 × 10⁻⁶ पुट करेंगे, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, तो 220 वोल्ट है ये इसकी रेटिंग है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, 1/ωC, 1/2π(ν)(C), सिर्फ वैल्यू पुट करो, 2 × 3.14 × 50 ×
सी दे रखा है 15 × 10⁻⁶। देखो क्वेश्चन है ये इजी, वैल्यू पुट करने वाले आते हैं, मतलब सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने का पोटेंशियल रखते हैं, तो इजी हो डिफिकल्ट हो हमें करने पड़ेंगे, इजी वाले बल्कि ज़्यादा आ जाएंगे। ओके, अब इनमें पंगा ये है कि होते बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होता है। टेक्निकल पॉइंट जैसे ये है कि एक यूनिट कन्वर्ट करने वाला सबसे मेन फंडा है, वो नहीं किया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। एल हमेशा मिनी हेनरी में मिलेगा, कभी कभी हेनरी में होगा लेकिन ज़्यादातर मिली में मिलेगा, और सी नॉर्मली आपको माइक्रो में ही मिलने वाला है, माइक्रो नैनो में, तो कन्वर्ट जरूर करना है। इसको बेटा सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है आपका 212। अब आगे बात यूनिट की, एक्स सी पिछले क्वेश्चन में बात हुई है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, तो यूनिट इसकी क्या लगानी है, ओम लगानी है, तो ये होगी 212 ओम। ओके, अगले पार्ट में इसने क्या मांग लिया, आरएमएस एंड पीक करंट, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं जी। पहले आरएमएस ही निकाल लेते हैं, आई आरएमएस बात हुई थी, करंट तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस यहां पे हमारा एक्सी था जो कि 212 आ गया। अब उसने आरएमएस करंट मांगा है तो आरएमएस वोल्टेज पुट करो, आरएमएस वोल्टेज कितनी थी अपनी 220 है, जो वोल्टेज दी थी 220 ये आरएमएस ही दी थी, 220 डिवाइडेड बाय 212, ठीक है, वन से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, 220 बाय 212 है, तो सॉल्व किया तो 1.04 एम्पियर आ गया। ओके जी, अब कौन सा करंट आया, आरएमएस, निकालना कौन सा है, पीक भी निकालना है। लास्ट टाइम भी बात हुई कि आरएमएस चाहे वोल्टेज हो या करंट वो कैसे निकलता है, पीक डिवाइडेड बाय √2, तो पीक निकालनी हो आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस, दैट मीन्स √2 इंटू 1.04। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपका 1.47 एम्पियर, ठीक है जी। ये आ गई इसकी पीक वैल्यू। अब कैपेसिटेंस में करंट भी आ गया और वोल्टेज भी आ गई। अब ये जो करंट है, कैपेसिटिव सर्किट है ना, इट विल लीड, ये वोल्टेज से क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा पाई बाय 2 से। खैर उसने ऐसा पूछा नहीं है लीड करेगा लैग करेगा, वैसे बात चल गई, तो ये लीड कर रहा है। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आरसी सर्किट हो गया ना एक तरह का ये, क्योंकि रेजिस्टेंस तो थोड़ा बहुत वैसे ही होता है, यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो या उसमें से जब एसी करंट पास होता है तो ये इसका पीक वैल्यू आ गई। तो कैपेसिटर में जब एसी करंट चलेगा तो वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है, तो इट विल लाई बिटवीन -1.47 एम्पियर टू +1.47 एम्पियर, ये इसकी पीक वैल्यू। खैर ये पूछा नहीं था, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमने बात कर ली कि इसमें लाई करता है। अब एक और पार्ट था इसका, और पार्ट में ये बोल रहा है व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। सिंपल कहानी, एक्स सी इक्वल टू 1/2 πν·c, दैट मीन्स एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर इसको डबल कर दोगे तो एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी बाय 2 आधा रह जाएगा। अगर एक्स सी आधा रह गया तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो V डिवाइडेड बाय एक्स सी है ना, ठीक है जी। तो एक्स सी डबल कर, फ्रीक्वेंसी डबल करने से करंट क्या हो गया, डबल हो गया, और एक्स सी क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। कैपेसिटी रिएक्टेंस विल गेट हाफ एंड करंट विल बिकम डबल। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 7.5। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एज शोन इन फिगर। फिगर देख लो भाई, एक इंडक्टर है और एक क्या लगा रखा है,
बल्ब लगा रखा है, ठीक है जी। दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में है, तो दिस इज एन इंडक्टर और ये क्या हो गया आपका बल्ब। बल्ब किसका रोल प्ले करेगा, रेजिस्टर का, कनेक्टेड इन एसी सोर्स एज शोन इन फिगर। अगले पार्ट यहाँ पे शो नहीं हुआ, बता देते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है अगर इस स्विच को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए और कुछ देर बाद इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाए। क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि स्विच को क्लोज कर दिया, इसमें कुछ देर बाद आयरन रॉड इज इंसर्ट, ठीक है जी। अब आयरन रॉड इंसर्ट करने के बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, तीन ऑप्शन दे रखी हैं कि जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगी, पहली ऑप्शन है इंक्रीजेस, दूसरी है डिक्रीजेस और तीसरी है नो चेंज। ओके, आयरन रॉड इसमें क्या की गई है इंसर्ट करने के बाद, तो देखो जी LR सर्किट है, LR सर्किट में ब्राइटनेस की बात हो रही है। अब ध्यान रखना, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू बल्ब होती है। करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, करंट कम होगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यानी हम करंट के बारे में सोचते हैं। अब जो करंट है इट इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज दे रखी होगी, ये मान लो ई वोल्टेज दे रखी है, ई डिवाइडेड बाय LR सर्किट क्या ऑफर करता है इंपीडेंस जेट। अब जेट की वैल्यू LR सर्किट में होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्सएल होता है 2π ν/L। अब आती है बात कि अगर इसमें आयरन रॉड इंसर्ट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी भैया, सब लिख लिया हमने, अभी इसमें कोई आयरन रॉड इंसर्टेड नहीं है, कुछ देर बाद अगर और बल्ब अपनी जो भी ब्राइटनेस से ग्लो करना शुरू कर चुका है, आयरन रॉड इंसर्ट करने से ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसमें आयरन रॉड क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा, आयरन जो है इट्स अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है जी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी काफी हाई होती है। अब एक्सएल पे फर्क पड़ेगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि एल पे पड़ जाएगा, एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल या इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इसका फार्मूला होता है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। अब भैया आयरन रॉड इंसर्ट करने से इंडक्टर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, उसका एरिया एल, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले वैक्यूम थी तो वैक्यूम में सिर्फ म्यू नॉट यूज हो रहा था और वैक्यूम की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1, तो पहले ये नहीं था, इसकी वैल्यू 1 थी। जैसे ही आयरन इंसर्ट किया म्यू आर वैल्यू एकदम बढ़ गई, म्यू आर वैल्यू एकदम राइज होने से एल विल इंक्रीज, समझो। तो सबसे पहले क्या हुआ, आयरन रॉड इंसर्ट करते ही एल में फर्क पड़ा, इससे क्या हो गया एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हो गया इंक्रीज। अब एक्सएल इसके अंदर है, जेट से भी एक्सएल के साथ डायरेक्ट बात ही बन रही है क्योंकि प्लस में चल रही है, इससे क्या हो गया जेड विल इंक्रीज। अब जेड इंक्रीज होने से क्या हो गया, करंट विल डिक्रीज, करंट डिक्रीज होने से क्या हो गया ब्राइटनेस विल डिक्रीज। तो अल्टीमेटली ब्राइटनेस क्या हो जाने वाली है, डिक्रीज हो जाने वाली है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ब्राइटनेस विल डिक्रीज, क्वेश्चन में बोला होता है एक्सप्लेन विद रीजन, तो इसलिए आपको रीजन देना पड़ेगा, विद रीजन ना होता तो सीधा आंसर दे देते कि ब्राइटनेस विल डिक्रीज। अब इसको अपनी लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करके लिखना है या जैसे हमने कराया इसको शॉर्ट में उस तरीके से भी कर सकते हो। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.6, ये क्या कह रहा है जी, अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम, कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। ओके, आपका सर्किट जो है कैसा सर्किट है, इट इज ए रजिस्टर एंड कैपेसिटर आरसी सर्किट, तो एक रजिस्टर है जी, एक क्या हो गया
कैपेसिटर हो गया जी एसी सोर्स से कनेक्टेड है, राइट। 200 ओम, 15 माइक्रोफेरेड, फिर से माइक्रो में दे रखा है भाई। कैलकुलेट द, ए पार्ट में बोला गया कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, पहले ए पार्ट को देखते हैं बाकी बाद में देखेंगे। करंट मांग लिया गया है, अब करंट इज इक्वल टू वी बाय जेड, यानी कि ई बाय जेड। ई तो दे रखी है आरएमएस वैल्यू कितनी, 220 वोल्ट, राइट। पंगा किसका अब, जेड का। जेड पहले हम साइड पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आर एंड सी सर्किट है बेटा, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ओके। आर तो डायरेक्ट गिवन है, एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स सी बेटा जी पहले साइड पे कैलकुलेट कर लेते होते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1/2 πν(c), ओके। 1/2 π की वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे, चलो सही है, फ्रीक्वेंसी 50 पुट कर दोगे, और साथ में सी कितना गिवन था, 15 माइक्रोफेरेड, इट विल बी 15 × 10⁻⁶। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 212 के करीब आ रहा है, 212 point something आ रहा है, तो इट विल बी 212 ले सकते हैं, ठीक है। 212 लेकर, वैसे 212.3 आ रहा है, लेकिन इसको 212 लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे स्क्वायर भी होगा, ऐड भी होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आर की वैल्यू दे रखी थी 200, तो यहां पे वैल्यू पुट हो जाएगी, जेड विल बी अंडर रूट 200 स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर। इसको भी यार सॉल्व किया ही जा सकता है, सॉल्व करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 291.67, ठीक है। 291.67 यूनिट इसकी क्या रहने वाली है, ओम्स रहने वाली है। अब समझो आई से हमने स्टार्ट किया था, 220 अपने पास था ही, जेड की जरूरत थी, जेड हमने उधर से निकाल लिया साइड से, 291.67 ये ओम्स में है, ये वोल्ट में है, रिजल्ट किस में आ जाएगा, एम्पियर्स में आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट 0.755 एम्पियर, ओके जी। तो करंट आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लिया करो, डिवाइड वगैरह कर, तो 0.755 एम्पियर आ जाएगा, ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया, अगले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, मतलब अब इंडिविजुअली उसको रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी चाहिए। दैट मीन्स हमें इसकी वोल्टेज जो वी आर है और इसकी वोल्टेज जो कि वी सी है, ये भी चाहिए। तो ध्यान रहे, अगर हमें रजिस्टर की वोल्टेज चाहिए तो इट विल बी करंट इनटू आर, राइट। करंट तो सीरीज में है, दोनों सीरीज में आर और सी, करंट दोनों में सेम ही रहेगा, 0.755 पुट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 200 दे रखी है, तो इट विल बी 0.755 ये करंट था इनटू 200, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ओके। अब आ गया वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस का रोल कैपेसिटर में किसने प्ले करना है, उसके एक्सी ने, जो कि हमने साइड में निकाल रखा था, ये रहा 212 हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो ये 0.755 आ जाएगा 212, ओके। सॉल्व कर लोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब एक पार्ट इसने ना और पूछ रखा है, तो इसलिए हम पहले बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जगह बना लें, अगली बात भी डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वी आर को अगर आप सॉल्व कर लो 0.755 × 200 करके देखो कैलकुलेटर पे अपना, इट विल बी 151.755 × 200 करोगे तो इट विल बी 151 वोल्ट। और अगर इधर इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 160.3
वोल्ट, ओके, तो दोनों वोल्टेज आ गई। अब उसने कुछ आगे पूछ रखा है, लास्ट लाइन आप क्वेश्चन की पढ़ो, कह रहा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अब अपनी सोर्स वोल्टेज देखो कितनी है, सोर्स वोल्टेज है भैया 220, ठीक है जी, ये कितना आ गया 151 प्लस 160.3, तो चलो आएगा ही आएगा, ये बन गया 1, ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 2 प्लस 1 3, 311 आ गया, थी तो 220, आ कितनी रही है 301.3 वोल्ट, ज़्यादा आ गई। अब आगे कह रहा है इफ़ यस, अगर हाँ है आपका आंसर, हाँ तो आ ही गया, रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब ये जो सिचुएशन ऐसी आनी नहीं चाहिए थी आ गई, क्या आ गई कि वोल्टेज जो है इनका सम टोटल से भी क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। अब ध्यान से सुनना, सीरीज में ये थे रजिस्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं तो इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है, हमने डीसी सर्किट्स में पढ़ा है टोटल वोल्टेज दोनों में बढ़ जाती है, इसने वी आर खा ली, इसने वी सी खा ली, तो दोनों का सम नेट वोल्टेज 220 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इससे भी क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो पंगा का है भाई, पंगा ये है कि तुमने सीधे ऐड कर दिए, सीधे ऐड होनी नहीं है, होनी इसलिए नहीं है क्योंकि करंट मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का करंट रजिस्टर में और कैपेसिटर में, करंट तो सेम रहेगा सीरीज में है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, बट जो वी आर थी वो तो सेम सेंस में चलेगी क्योंकि रजिस्टर की वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है जीरो, बट इन केस ऑफ कैपेसिटर जो वी सी आई थी वो नीचे आएगी क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, या कह लो करंट क्या करता है 90 डिग्री से लीड करता है। अब अगर हम वी आर और वी सी को देखते हैं तो दिस इज वी आर, दिस इज वी सी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं कर देना, इनको ऐड करते वक्त आपको वेक्टर वाला रूल लगाना पड़ेगा। अब जो भी इसकी वैल्यूज थी ऐड ऐसे करना था हमने, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक है जी, वी आर की वैल्यू जो भी आई थी आपकी 151 और इसकी 160, अगर इस तरीके से करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, तो 220 आ जाएगा, सीधा नहीं ऐड करना। तो पैराडॉक्स कहाँ था, पंगा कहाँ था, पंगा ये था कि एल्जेब्रिक सम नहीं करते, वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेजेस में एसी सर्किट में फेज डिफरेंस का चक्कर पड़ जाता जी। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आए आपने उसके सारे पार्ट्स पढ़ने हैं जी, अगर उसने ए बी सी पार्ट दे रखा है तो किसी पार्ट के बीच में दो क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जैसे बी पार्ट है कैलकुलेट द वोल्टेज, वो तो है ही है, फिर अगर हम लास्ट की लाइन छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो बिना मतलब के नंबर कट जाएंगे। तो ईच एंड एवरी पार्ट का आंसर देना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी अपना एग्जाम्पल 7.7। ये क्या कह रहा है जी, फॉर सर्किट्स यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात चल रही है, पावर का क्वेश्चन आ गया, अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस, एक्सप्लेन। ओके, लो पावर फैक्टर मीन्स लार्ज पावर लॉस। अब पहले तो ये समझो पावर फैक्टर कहते हैं किसको है, हमने पढ़ा होगा एक फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है ई वी वर्चुअल वैल्यू आई वी इंटू कॉस ऑफ फाई। बेटा यहां पर ये जो कॉस फाई टर्म है ना, दिस टर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसको बोलना है हमने, पावर फैक्टर इज दिस कॉस फाई टर्म। ओके, अब अगली बात पे आते हैं, कह रहा जब ट्रांसपोर्ट करना है पावर को तो एक बात नोट कीजिए, पावर इज ट्रांसपोर्टेड एट कॉन्स्टेंट पावर
एंड कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, जब पावर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो ये जो करनी है वो तो करनी है, और वोल्टेज फिक्स है। जैसे अब 66,000 वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, ठीक है, 66,000 वोल्ट पे लाइन चलती है, उसके बाद अगली लाइन जो है इसको डाउन कर कर 11 केवी पे चलती है, 11,000 वोल्ट पर, उसके बाद 220 वोल्ट पे आती है हमारे घरों में। तो जब पावर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, मान लो कितने पे हो रही है, 11 केवी पे हो रही है, तो 11 किलो वोल्ट वोल्टेज इसकी फिक्स है और पावर जो है वो तो है ही है। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे पास तीन चीज़ें हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज, इधर करंट है, इधर फिर साथ में पावर फैक्टर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पी और ई को हमने कॉन्स्टेंट रखना है, बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड एट अ गिवन पावर एंड गिवन वोल्टेज। तो पी बाय ई को मैं ऐसे लिख देता हूं, आई इंटू कॉस फाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब ये वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। अब बच गए दोनों, कहने का मतलब आई इंटू कॉस फाई एक कांस्टेंट है। अब अगर मैंने इसमें इसको लो रखा तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके जी, ये हाई होने का मतलब हीट बड़ी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट के फॉर्म में लॉसेस हो जाएंगे। सो अब फाइनल बात पे आओ, लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। अगर पावर फैक्टर यानी कॉस फाई क्या कर दिया, लो, तो करंट हाई हो जाएगा, करंट हाई होने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी हीट का फार्मूला हो गया, तो पावर लॉसेस विल बी मोर। तो इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर पावर फैक्टर लो कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो वी शुड कीप पावर फैक्टर हाई। ओके जी, अब ये पार्ट है, इसके बाद अगला पार्ट भी है, पहले इसको नोट कर लेना, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये हमने इसको मिटा दिया। अब अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट से पहले पिछले पार्ट की बात कर लें, तो पावर फैक्टर लो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हाई। अच्छा, पावर फैक्टर हाई कितना का कर लोगे, ज़्यादा बात है, इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होने नहीं वाली। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर अगर होगा भी तो कितना होगा, 1 होगा। दैट मीन्स वी शुड कीप पावर फैक्टर एज हाई एज पॉसिबल वाइल ट्रांसपोर्टिंग, यानी कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब आते हैं बी पार्ट पे, कहता है पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटर्स इन द सर्किट। पावर फैक्टर कह रहा है इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगा देना चाहिए, उसे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। होता क्या है, जो हमारे सर्किट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी, मान लो आर तो उनका देखो हो गई होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस तो आ गई, प्लस बिकॉज वायर्स होती हैं, कॉइल्स होती हैं इन्वॉल्व, तो इंडक्टेंस भी आएगा ही आएगा। ओके, अब जो अपना जो कॉस फाई है वो पावर फैक्टर है, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। इंप्रूव करने का मतलब वी वांट टू कीप इट नियर टू 1। अब जो पावर फैक्टर का वैसे फार्मूला हमें पता होगा, इट इज इक्वल टू आर बाय जेड। जेड क्या हो गया, इंपेडेंस, ठीक है जी। इंपेडेंस की वैल्यू अगर सर्किट में सिर्फ आर और एल ही है तो ये रहेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर सर्किट में कैपेसिटेंस भी इंप्रूव इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इंपेडेंस बन जाएगा, अगर कैपेसिटेंस भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए आर एल के साथ सी भी आ जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर सिर्फ आर और एल की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो जेड ये रहेगा, लेकिन अगर इसमें कैपेसिटर भी लगा दिया जाए साथ में सीरीज में तो एक्सी जो है एक्सएल के इफेक्ट को क्या करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स एक्सी आने से, कैपेसिटर आने से जेड रिड्यूस हो जाएगा। जेड रिड्यूस होने का मतलब
कॉस फाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसने बोला था इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर। कैसे यूज ऑफ कैपेसिटर से ये इम्प्रूव होगा कि जी कैपेसिटर के इंट्रोड्यूस होने से उसने इंडक्टिव इफेक्ट को खत्म करना, इंडक्टिव इफेक्ट को खत्म करेगा तो जेड विल टेंड टू आर, ठीक है जी। जेड विल टेंड टू आर मतलब ये वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इतनी कर दो कि एक्सएल के इक्वल ही हो जाए तो जेड एग्जैक्टली इक्वल टू आर हो जाएगा। जब जेड एग्जैक्टली इक्वल टू आर हो जाएगा तो कॉस फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, इससे ज़्यादा खैर हो भी नहीं सकती है। तो वी कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सूटेबल कैपेसिटर। ओके, सेकेंड पार्ट इसका थोड़ा कंसेप्चुअल था, उसको अपने हिसाब से फिर बना लेना चाहिए। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 7.8 पर। ओके, एग्जांपल 7.8, साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। ओके, पीक वैल्यू दी है। इस बार देखो उसने बोल दिया, मैं बोल रहा था ना जब वो वोल्टेज देते हैं हमेशा कौन सी देते हैं, आरएमएस ही देते हैं, बट इस बार उसने क्या दे दिया, नाम बोला पीक। तो जब बोल दिया तो भैया उसको पीक ही मानेंगे ना। तो ई नोट दी हुई है 283 वोल्ट, पीक वोल्टेज 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया इस बार, एलसीआर सर्किट हो गया, सब कुछ दे रखा होगा। आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 25.48 फिर से मिली हेनरी में थी, देख लो हेनरी में कन्वर्ट कर दिया। सी 796 माइक्रोफेरेड में है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, बी बाद में देखते हैं, पहले इम्पीडेंस ही निकाल देते हैं। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट जेड किसके इक्वल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एल भी है, सी भी है, आर भी है, सब कुछ है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर तो क्वेश्चन में गिवन है, चलो 3 है, हमें पहले एक्सएल एक्सी निकालने पड़ेंगे। वो भाई मेरी सजेशन ये है कि हमेशा पहले अलग से बाहर निकाल लो, बाद में पुट करेंगे। एक्सएल 2πνl, एक्सी 1/2πν(c). अब देखो जी साइड पे अपना कैलकुलेट कर लो, 2 भी दे रखा है, पाई की पता ही होता है, फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, इसको वैल्यू पुट करके अपना सॉल्व वोल्व करके अपना चेक करके देख लो जी, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 ओम। एक्सएल कितना आ जाना है आपका, 8 ओम आ जाना है, कैलकुलेट कर लो साइड पे वैल्यू ध्यान से। ओके, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, एक्सी की वैल्यू 2 × 3.14 × फ्रीक्वेंसी 50, सी की वैल्यू ये पुट कर देना 796 × 10⁻⁶, ये आ रहा है सॉल्व करने पर 4 ओम। ओके जी, तो आर दे रखा था 3, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर यहाँ से हम जेड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, साइड पे कैलकुलेट करना सही रहता है यार ऐसे क्वेश्चंस में, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट आर दे रखा था 3, ठीक है जी, प्लस ये आ जाएगा 8, अंदर है ना ब्रैकेट के, 8 − 4 का स्क्वायर आ जाना है, राइट, ये 3² 4² ये आ जाएगा 5। सॉल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, तो जेड की वैल्यू आ गई 5। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा, इम्पिडेंस मांगा था उसने, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। बी पार्ट में कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। फेज डिफरेंस के लिए हम यूज करेंगे tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ओके, एक्सएल कितना था भैया, एक्सएल इज 8, एक्सी कितना था 4, आर कितना था 3, तो ये कितना आ गया 4/3, tan phi किसके इक्वल आ गया 4/3। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब अगली बात भाई, या तो इसको यहीं छोड़ा हो, phi इज इक्वल टू tan inverse ऑफ 4/3 कर राइट, या फिर एग्जामिनर से बोलो कि भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड कर दो,
फोर बाय थ्री को डिवाइड करके वन पॉइंट समथिंग आएगा, उसको टेबल में से चेक करेंगे। ओके जी, या फिर ये फोर बाय थ्री वाला तो खैर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि एक कभी करवाया होगा आपको कि अगर ये साइड फोर है, ये साइड थ्री है, ये टेन है ना, तो अगर मैं इसको, ये वैसे ही बता रहे हैं, ये वाली साइड अगर फोर हो जाए, ये वाली साइड कितनी हो जाए थ्री हो जाए, तो ये फाइव आएगी, तो ये फाइव आ गया। ठीक है जी, अब ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड तीन हो, एक साइड चार हो, एक साइड पांच हो, राइट ट्रायंगल, तो फोर के सामने वाला एंगल आता है 53 डिग्री के करीब, थ्री के सामने वाला एंगल आता है 37 डिग्री के करीब। अब यहां पर बेटा टेन इनवर्स ऑफ फोर बाय थ्री था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर फोर मानेंगे, इसके सामने वाला एंगल फाइव है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है 53 डिग्री के करीब आएगा, 53.1 के करीब आता होता है। तो बिकॉज इट वॉज फोर बाय थ्री तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट मतलब मैं ट्रायंगल से बना दिया, अदरवाइज बेटा जी आप ट्रैक्ट नहीं बता सकते, आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल से देख कर ही बता सकते हो। या सीबीएसई में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उसने या तो वैल्यू दे रखी होती है या वो सॉल्व होके डायरेक्टली बिना टेबल के भी निकल जाते होते हैं। फिलहाल हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड थ्री हो, एक साइड फोर हो, तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज फाइव आनी है। थ्री वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा क्या लेना है 37, फोर वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा क्या लेना है 53। हमारा एंगल ये था क्योंकि इधर फोर था, तो इसलिए ये वाला एंगल हमारा रिक्वायर्ड हो गया, 53 आ गया, यानी कि हमारा फेस डिफरेंस कितना आ गया 53 डिग्री। आंसर चेक कर लेना एनसीईआरटी बुक में जाकर। ओके, अब फेज डिफरेंस बेटा जी यहां से कितना आ गया 53 डिग्री आ गया, अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है 53 पॉइंट समथिंग होता है, 53 सही मान लिया जाएगा आपका, आ गया। अब फेज डिफरेंस बेटा जी आ गया, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस तो आ गया, लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। अपने यहां पर एक्सएल 8 है, एक्ससी 4 है, दैट मीन्स अल्टीमेटली इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू 8 है, एक्ससी से ज़्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। जब भी एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा, समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स वोल्टेज इज लीडिंग। ठीक है जी, अगर उल्टा होता तो करंट लीड कर रहा होता, तो अपना आंसर आ गया जेड की वैल्यू 5, बी पार्ट का आंसर आ गया फेस डिफरेंस इज 53 डिग्री एंड वोल्टेज लीड्स, फेस डिफरेंस 53 डिग्री एंड वोल्टेज लीड्स। ओके, ये भी हो गया। अब इसका भाई सी पार्ट भी है, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट पे ध्यान। इफ द पावर, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सोर्स एंड करंट, ठीक है वो हो गया। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, अब क्या मांग लिया जी, पावर, डी पार्ट भी है इसका। द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी है, पावर डिसिपेटेड भी है। ओके, पहले इस पार्ट को सारे को मिटा देते हैं, चीजों को याद रखना, शायद किसी चीज का यूज भी हो। तो अगले पार्ट में इसने बोला पावर डिसिपेटेड, अब बेटा जी पावर का फार्मूला ईवी इंटू आईवी इंटू कॉस ऑफ फाई, तो पावर का फार्मूला था ई वी आई वी इंटू कॉस ऑफ फाई। ओके, ई वी यानी कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये आ जाएगी जी अपनी साइनसॉइडल पीक वैल्यू। अच्छा, पीक ही दे रखी थी, तो पीक कितनी दे रखी थी 283, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट टू से, ये आ गई वर्चुअल वैल्यू। अब आता है करंट, ठीक है जी, करंट कैसे निकलेगा, आई वी चाहिए था, अब ये हो जाएगा ई वी, ठीक है जी, ई वी आई 283 बाई रूट टू, करंट जो है आई वी चाहिए ना, तो ये होगा ई वी डिवाइडेड बाय जेड। ओके,
कॉस फाई की वैल्यू होती है आर बाय जेड, समझो वैल्यू पुट करनी है बस। ओके, ये 283 बाय रूट टू है, ईवी की वैल्यू 283 बाय रूट टू है इनटू आर की वैल्यू 3 दे रखी थी, जेड की वैल्यू 5 कैलकुलेट की थी शायद हमने, चेक कर लो, जेड की वैल्यू 5 ही थी, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 25। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 283 इंटू 283 इंटू 3 नीचे कितना आ जाएगा 25, रूट टू 2 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 50। ओके जी, एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यार, सॉल्व करके आंसर कंफर्म हो जाएगा। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, तुम भी करके देख लो, देखते हैं कौन करता है। 283 इंटू 283 इंटू 3 ऊपर आ गया 240267, नीचे है 50, यानी इसको किससे डिवाइड करने देना है, 50 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 4805, आंसर आ गया 4805.34। ओके, 4805.34 एनसीईआरटी बुक में इसको 4800 वाट दे रखा है, अब उसने राउंड ऑफ करके दे दिया होगा 4800 वाट इसकी क्या दे दी, वैल्यू दे दी। ठीक है जी, तो ठीक आ गया, हमने अपने तरीके से कित दिया, उन्होंने दूसरे तरीके से किया होगा, 4800 वाट आंसर आ गया, डन हो गया जी। अब इसका डी पार्ट भी है यार, वो भी क्यों छोड़ना, कह रहा था पावर फैक्टर भी निकाल लो। अब पावर फैक्टर जो होता है वो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कॉस फाई को कहते हैं, कॉस फाई की वैल्यू आर बाय जेड होती है, आर की वैल्यू 3 निकली हुई है, जेड की वैल्यू 5 निकली हुई है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6। ओके, ये एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। ओके जी, अब ईच एंड एवरी पार्ट करना है जी, एनसीईआरटी बुक में से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट आपको कवर अप करना होगा, नोट करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9, ये क्या कह रहा है जी, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड, कह रहा है पिछला जो एग्जाम्पल हमने 7.8 किया, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते होते, वट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। ओके, फर्स्ट पार्ट सिंपल है, रेजोनेंस करने के लिए एक्सएल और एक्सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वैसे हमें इसका डायरेक्ट ही फ्रीक्वेंसी पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2π अंडर रूट एल इंटू सी, कुछ नहीं करो सिर्फ वैल्यू पुट करो 2 × 3.14। पिछला क्वेश्चन जो था बेटा एल की वैल्यू दे रखी थी, सी की वैल्यू भी दे रखी थी, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप सिंपली कर सकते हो, ये आ रही है आपकी 35.4 हर्ट्ज। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा उसमें एल और सी की वैल्यू पुट करनी है, अब देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन लंबी पड़ती है, बंदा हिम्मत कहाँ हारता है कि यार अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, भाई अब करना तो पड़ेगा, ये नंबर नहीं लेने हैं, इतना इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी थी, अब वैल्यू पुट करने में हिम्मत हार जाओगे और सॉल्व करने में हिम्मत हार जाओगे तो कैसे बात बनेगी, नंबर मिलने ये सोचो जिंदगी भर काम आएंगे, तो ये वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व करो, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा भैया एग्जाम में, हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आप मिला के देखो आपका 35.4 हर्ट्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन सिंपल था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने। ओके जी, बी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द इम्पिडेंस द करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। अब देखो जी यहां पे लॉजिक लगेगा, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर आकर जो आपका इंपिडेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू आर हो जाता है, आर 3 ओम दे रखा था पिछले क्वेश्चन में। ओके, वही क्वेश्चन है ना, उसके पार्ट्स हो गए अगले, तो इंपिडेंस एट रेजोनेंस इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, करंट मांग रहा है आप,
एट रेजोनेंस. अब करंट होता है ई बाय जेट, एट रेजोनेंस इट विल बी ई बाय आर. ओके जी, अब करंट कौन सा मांग रहा है? हमने बोला जब तो बोलता पीक ठीक है, लेकिन अगर नहीं बोल रहा तो इसका मतलब हम आरएमएस ही निकाल देंगे. ओके जी, तो ये मेरी आरएमएस वैल्यू मान लेते हैं. क्वेश्चन में उसने पिछली बार पीक वैल्यू दे रखी थी, पिछले क्वेश्चन का पार्ट है 283, तो इसकी जगह 283 बाय रूट 2, ये क्या बनी जी? आरएमएस वैल्यू बनी. ठीक है, ये ई की वैल्यू है, ये पीक दे रखी थी, उसको रूट 2 से डिवाइड किया इंटू 1/3. ठीक है, वी बाय आर, ये 283 बाय रूट 2, वो 1/3 हो गया. इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 66.7 एम्पियर आ रहा है. ओके, वो मैं देख के बता देता हूँ आपको. ठीक है जी, तो 66.7 आ रहा है, आपने अपने आप कैलकुलेट करना होगा. अगली बात, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस. अब जो पावर का फार्मूला था वो वैसे तो है ई वी आई वी इंटू कॉस ऑफ फाई. एट रेजोनेंस जेट किसके इक्वल आ रहा है? आर के. कॉस फाई यानी पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? आर बाय जेट. तो एट रेजोनेंस जेट आर के इक्वल होने के कारण पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ क्या? ई वी आई वी. ओके जी, ई वी कितने? 283 बाय रूट 2. आई वी कितने? ई वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि निकाल चुके हैं हम 66.7. अब इसको सॉल्व कर लो तो पावर भी आ जाएगी. बस करने ध्यान से है. पंगा ये है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका एक आधा पार्ट ही छोड़ देते हैं, वहाँ नंबर कट जाएगा. इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, बी के अंदर तीन चीज़ें पूछी गई हैं, तो सारी की सारी चीज़ें कवरअप करनी, आराम से करो और सारे पार्ट्स कर कर आओ जी. ओके जी, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से लास्ट क्वेश्चन 7.10. एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू ए डोर वे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन. ओके, पता है हमें कि एयरपोर्ट्स वगैरह में या जहाँ पे भी मॉल्स वगैरह में उन्होंने ना एक डोर लगा रखा होता है, उसमें से जब पास करते हैं तो कोई मेटल का ऑब्जेक्ट अगर कोई लेकर जा रहा है तो पकड़ा जाता है. ओके, अब ये डोर है मान लो. इफ ही शी इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट अगर है, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड, मेटल डिटेक्टर साउंड एमिट करता है. पूछा गया ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क. ओके, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क, उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो तो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट. ओके जी, आंसर तो हो गया, इट डिपेंड्स ऑन, इट वर्क्स ऑन सीरीज रेजोनेंट सर्किट. अब ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या चीज है? पता है आपको, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया जाए तो इसको क्या कह देते हैं? सीरीज एलसीआर सर्किट. ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट, ये एसी सोर्स लगा दिया. ओके जी, अब ये रेजोनेंस पे आ रहा है. रेजोनेंस मतलब जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सी के इक्वल हो जाएगा, उस वक्त सर्किट का क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π अंडर रूट एल इंटू सी हो गई. ओके जी, अब कहानी ये है कि ये जो डोर है ना, इसके चारों तरफ एक क्या लिपटी हुई है? कॉयल लिपटी हुई है, कॉयल. वो जो कॉयल है वो किसका रोल प्ले कर रही है? इंडक्टर का. इसके साथ सीरीज में एक क्या लगा दिया जाएगा? रजिस्टर. और एक क्या लगा दिया जाएगा? कैपेसिटर. यानी अपने आप में ये डोर है, दिख रहा है, डोर के अंदर कॉयल है चारों तरफ लिपटी हुई, और इसके साथ सीरीज में क्या लगा होगा? कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर. यानी अल्टीमेटली ये एक सीरीज एलसीआर सर्किट है. ओके जी, ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, इट इज सेट एट रेजोनेंस. इसको रेजोनेंस पे सेट कर रखा है.
ओके, नाउ इट इज सेट एट रेजोनेंस, तो जब तक रेजोनेंस पर है तब तक इसका स्पीकर बीप नहीं कर रहा, उनका सर्किट ऐसे लगा रखा है कि रेजोनेंस हिलते ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, उससे स्पीकर बीप कर जाएगा। अब हुआ क्या, इसके अंदर कोई बंदा क्या करता है, एंटर करता है जेब में चाकू वाकू छिपा कर, ठीक है जी। अब जैसे ही वो बंदा इसमें से एंटर करेगा तो उसकी जेब में तो मेटल है, अब जैसे ही मेटल लेकर अंदर से गुजरेगा वो मेटल इंडक्टर में पास होगा, ओके जी। वो मेटलिक ऑब्जेक्ट कहां से पास हुआ, इस इंडक्टर में से पास हुआ। जैसे इस इंडक्टर में से मेटलिक ऑब्जेक्ट पास होगा तो कहानी ये आ गई कि इसके अंदर मेटल इंसर्ट कर दिया, आयरन हो गया मान लो, ओके। अब मेटल इंसर्ट करने से इसका एल इंक्रीज कर जाएगा, ओके। एल इंक्रीज करते ही इसका एक्सेल इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सेल इंक्रीज करते ही ये जो कंडीशन है ये गड़बड़ हो जाएगी, एक्स ही तो वहीं का वहीं है, एक्सेल बढ़ गया या कम हो गया तो उससे क्या होने वाला है जी, रेजोनेंस शिफ्ट हो जाएगा या रेजोनेंस हिल जाएगा। रेजोनेंस शिफ्ट होते ही स्पीकर जो है क्या कर जाएगा, बीप कर जाएगा, क्योंकि उसने इसको ऐसे सेट कर रखा था कि रेजोनेंस पे बीप नहीं करेगा। जैसे रेजोनेंस शिफ्ट होता है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है उसने बीप करना है, तो ये प्रिंसिपल है जी इसका। तो इसलिए भैया जब भी जाओ कहीं पर तो मेटल वेटल लेकर नहीं जाना, पकड़े जाओगे, ओके जी। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, इनको कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेकर आते हैं जी। ओके, बाय बाय।